पिछले कई दिनों से सरकार और छात्रों में ठनी हुई है, जहां एक तरफ छात्र पीएम मोदी के ताली थाली वाले नुस्खे को उन्हीं के विरोध में बजाया जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार छात्रों के इस विरोध पर अपनी नज़र तक नहीं डाली। तो क्या सरकार की ओर से कोई जवाब न मिलने पर छात्र चुप हो जाएंगे? जी नहीं, बल्कि इसके उलट देश के सभी छात्रों ने सरकार के खिलाफ बेरोजगारी मोर्चा जारी रखा है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छात्रों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रखा है। ये मोर्चा 11 सितंबर की सुबह से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जो 17 सितंबर तक छात्रों द्वारा चलाया जाएगा। 17 सितंबर तक इसलिए क्योंकि उस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन है। इन सभी छात्रों ने सरकार से मांग की है कि रोजगार परीक्षा और रुकी हुई भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मालूम हो कि पीएम मोदी के आखिरी मन की बात को छात्रों के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। मोदी के इस वीडियो को कुल मिलाकर 5.5 लाख से ज़्यादा डिसलाइक मिले थे, जिसके बाद से छात्र लगातार ट्विटर पर बेरोजगार ट्रेंड कराने लगे। 1 सितंबर 2020 को छात्रों ने एसएससी रेलवे को लेकर सरकार पर धावा बोला था, तो वहीं 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन छात्रों ने ट्विटर पर #5:05 का ट्रेंड चलाकर सरकार के खिलाफ अपने अपने घरों में 5:05 के लिए ताली थाली बजाने की अपील की, ताकि सरकार तक छात्रों की एकता की आवाज़ पहुँच सके। लेकिन सरकार है कि उसके कानों पर जूं तक नहीं पड़ी। इसके बावजूद छात्र थके नहीं हैं, अब उन्होंने सीधा पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया है। जी हां, छात्रों ने ट्विटर पर मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मनाने को लेकर ट्रेंड चला रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या छात्रों का यह तरीका सरकार पर असर डालती है कि सरकार अभी भी युवाओं के रोजगार को लेकर चुप्पी साधे रहेगी। D3 न्यूज़।